दमोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड शो करेंगे। 14 अप्रैल को दमोह में रोड शो करेंगे बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में उनका रोड शो होगा 17 अप्रैल को। आपको बता दें, दमोह विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत उपचुनाव में लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता दमोह का दौरा कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 14 अप्रैल को दमोह में रोड शो करने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में उनका रोड शो होगा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की उनकी कोशिश होगी। 17 अप्रैल से पहले बीजेपी पूरी ताकत लगाती हुई दमोह उपचुनाव के लिए। वहीं दमोह उपचुनाव के लिए मलैया परिवार को मनाने में जुटी हुई है बीजेपी। सिद्धार्थ मलैया को बनाया गया है नगर का चुनाव प्रभारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच से नगर का चुनाव प्रभारी उनको बनाया है। तोमर ने जयंत मलैया के घर पहुंचकर मुलाकात भी की है। दमोह में उपचुनाव के लिए मलैया परिवार को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है। सिद्धार्थ मलैया को नगर का चुनाव प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच से ही सिद्धार्थ मलैया को नगर का चुनाव प्रभारी बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने जयंत मलैया के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की है।